हेलो बच्चों, आज हम गामा बीटा का तीसरा लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरे दोनों लेक्चर समझ में आए हो। अब तक हमने क्या प्रॉपर्टी और कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने सीखे थे। अब आज हम क्या करते हैं, उन फॉर्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल क्या है। आपके पास जैसे उसने कहा जीरो से इन्फिनिट लॉग वन अपॉन वाई की पावर एन माइनस के वन और डी वाई है, इसको किसके बराबर दिखाना है आपको, गामा एन के बराबर दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। हर चीज़ को क्या करेंगे, लेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या लेट करते हैं, लॉग वन अपॉन वाई को एक्स की पावर एक्स बराबर लेट करते हैं। क्यों लेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा गामा का फंक्शन होता है वो किसके ऊपर होता है, जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर एन माइनस के वन। इस वजह से हम उसको क्या करेंगे, एक्स की फॉर्म में लेट करते हैं। तो हमने लेट किया लॉग वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स लेट किया। अब इस लॉग को मैं उधर पहुंचाऊं तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब इसको रिवर्स कर दें तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई की पावर माइनस के एक्स। कैसे, ये चीज इधर चली गई, ये इधर आ गई, और वन अपॉन ई की पावर एक्स को जब हमने उल्टा करा तो कितना आ गया हमारे पास, ये चीज हमें मिल गई। आई होप ये समझ में। अब हमें क्या करना है, सारा फंक्शन हमने किस में लेट किया, y में। यहाँ पर क्या है हमारे पास, dy। वाई तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो करते हैं, तो dy वाई इज इक्वल टू माइनस e की पावर x dx। हमने फंक्शन किस में चेंज कर दिया, dx में चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो dx की फॉर्म में होता है। ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठाकर हम क्या रखेंगे, अपने फॉर्मूले पुट करेंगे। तो रखते हैं जीरो से इन्फिनिट log वन अपॉन वाई को हमने कितना रखा, x की पावर n माइनस वन, डी वाई की जगह कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस x, और ये वाला आपके पास dx। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक। ये आ गया इज इक्वल टू, अब ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर होता है आपके पास, गामा n के बराबर होता है। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा गामा n यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। न्यूमेरिकल है आपके पास e की पावर माइनस के x और x की पावर 1/4 dx, इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिट के बीच में आपको क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। किसको लेट करना है वो देखना है। यहां पर अंडर रूट एक्स को हम क्या करेंगे, कुछ लेट करेंगे। तो लेट करा अंडर रूट एक्स को, हमने क्या लेट किया, यहां पर टी लेट किया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, टी स्क्वायर आ गई। ये अंडर रूट हटकर उसके ऊपर चला गया, टी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब हम इसका क्या करें, डिफरेंशियल करें, तो कितना हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी। ये इसका क्या आ गया आपके पास, डिफरेंशियल आ गया। अब ये वाली वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट कर दें। तो करते हैं जीरो से इन्फिनिट ई की पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस के। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स कितना आया था आपके पास, टी स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है, 1/4, और डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, टू टी डी टी। दोबारा समझिए, अंडर रूट एक्स को हमने क्या कहा, टी, माइनस क्या आ गया, एक्स की जगह कितना रखा, टी स्क्वायर रखा, उसकी पावर कितनी थी, 1/4, ये आ गया, और डी एक्स की जगह हमने डिफरेंशियल रखा, टू टी डी टी, ये आ गया। जीरो से इन्फिनिट ई की पावर टी, इससे कट गया तो t की पावर 1/2 और 2t dt, ये आ गया आपके पास। अब जीरो से इन्फिनिट इस वाले 2 को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो क्या बच गया, e की पावर t, ये बच गया t की पावर 1/2 और t की पावर 1, तो कितना हो गया, 3/2 dt, ठीक। अब ये चीज कैसे बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या है, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो इसको क्या कर देंगे, एक प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर कर देंगे। यानी इसका डायरेक्ट गामा या इसका डायरेक्ट इंटीग्रल कितना हो गया आपके पास, 2 5/2,
और गामा, ये आ गया इसका। कैसे आया? 3/2 में हमने 1 प्लस किया, क्यों? कि फॉर्मूले में क्या है, पावर इंक्रीजिंग हो रही है यानी 1 बढ़ रही है, तो कितना हो गया 3/2 + 2, तो कितना आ गया 5/2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या कहा था कि जो गामा होगा वो कैसे सॉल्व होगा, आपका एक फैक्टोरियल की फॉर्म में सॉल्व होगा। तो फैक्टोरियल में क्या होती है, पावर एक एक कम होती जाती है यानी वैल्यू कम होती जाती है, माइनस कम करते रहते हैं, तो 2 एज इट इज इस चीज को हम बाहर ले आएंगे, तो कितना हो गया 5/2, कितना बच गया 5/2 में से 1 माइनस का, इस 2 से 2 कट गया 5, ये कितना बच गया 3/2 बच गया। फिर इसको सोल्व करेंगे 5, ये 3/2 बाहर ले आएंगे, कितना बच गया 3/2 - 1, 5 × 3/2 कितना हो गया गामा 1/2। अब जो गामा 1/2 की वैल्यू होती है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है वो आपको कितनी याद रखनी है, अंडर रूट पाई रखनी है। गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है उसको कितनी याद रखनी है, अंडर रूट पाई होती है। ये वैल्यू कहाँ से आई हम बाद में पढ़ेंगे। तो कितना आ गया आपके पास 15/2 √5, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो चीज समझ में नहीं आई होगी कैसे किया, तो हम क्या करते हैं फैक्टोरियल n खोलते हैं, तो फैक्टोरियल n कैसे खोलते हैं, n - 1, फिर इसको खोलते हैं n - 1 n - k2, ऐसे खोलता रहता है, यानी जो होगा बाहर आएगा उसमें से फिर एक कम, जो बाहर आएगा उसमें से फिर एक कम, तो ऐसे इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आया।